आज पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों बंद किया गया उसकी सबसे बड़ी वजह आपके सामने रखेंगे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए किस से किस को बड़ा ख़तरा है एक कालम अरबों रुपए के ऊपर कैसे भारी पड़ा तारीख इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ ता नाहली केस आज अदालत में क्या हुआ इसके ऊपर बात करेंगे असलमकुम आप देख रहे हैं गोरख दंदा अब्रार क्रेशिया आपसे महातुब हूँ पाकिस्तान के अंदर पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं और उन मुख्तलिफ चीज़ों में अदालतों की कार्रवाई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के कागजात कबूल कर लेना उनसे इनकारी हो जाना उन्हें मुस्तरद करना और वहीं पर फंड रेजिंग इवेंट होने थे और चीज़ें करनी थी पाकिस्तान तरीक़ानसाफ ने भी जब भी पाकिस्तान इंसाफ कोई बेहतर काम करने की कोशिश करती है जिससे ताकतवर और बड़े मकतदर हल्के जब डरते हैं तो उनके पास जब कोई चारा नहीं होता ये सारी हरकतें करने के बाद कि लोगों को अगवा कर लें लोगों को झंडा ना उठाने दें लोगों को गाड़ी के पीछे पोस्टर ना लगाने दें और लोगों को कन्वेंशन में ना जाने दें ख़ंद खो दें एफ आई आर काट दें उनके ऊपर तो ये सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद आप जब टेलीथोन करनी थी फंड रेजिंग करनी थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ऑनलाइन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के नौ बजे तो उससे कबल अभी तो पाकिस्तान में जो है वो साढ़े छः बजे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तीन घंटे कबल जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेट को डाउन किया गया जबकि इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब और जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है इंक्लूडिंग ट्विटर उन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया इंटरनेट डाउन हुआ लेकिन ये सारी चीज़ें बंद हुई क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये जो एपिसोड है ये पाकिस्तान में लोग नहीं देख सकेंगे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनका मैंने नाम लिया है लेकिन यूके यूरोप मिडिल ईस्ट बाकी पूरी दुनिया के अंदर लोग देख सकते हैं आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो फ़ंड रेजिंग करनी थी चाहे उससे इलेक्शन कंपेन चलानी थी चाहे उससे शौकत खानम अस्पताल जो है उसको रन करना था चाहे नमल कॉलेज की बात हो या बाकी फ्लाई और तरक्याती काम हो तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जब ऑन फिज़िकल जलसा करे तो उसकी इजाज़त ना मिले कन्वेंशन करने जाए तो उसमें खंदगी खोद दें जब ऑनलाइन जलसा करे तो उसके ऊपर भी बंदी लगा दी और उसके बावजूद मिलियंस लोग जो हैं वो उस जलसे को देख लें अब जब उन्होंने टेलीथॉन करनी थी और उसमें फंड रेजिंग करनी थी तो अब आप आपने इंटरनेट को डाउन कर दिया साबित ये हुआ कि इमरान खान मजबूत हैं उनके चाहने वाले ताकतवर हैं अवाम ताकत का असल में सरच्मा है आप यही कर सकते हैं लोगों को अगवा कर लें इंटरनेट को बंद कर लें उनके ऊपर एफ आई आर काट लें इमरान खान को अदालत में ना भेजें बल्कि अदालत और जजों को जेल में भेज दें आप इमरान खान का एक आर्टिकल एक कालम जो था उसको नहीं रोक सके वो पब्लिश हो गया उसके ऊपर आप चीखें मार रहे हैं इमरान खान के मोस्ट

तो आप जब आप टेलीथान नाकाम हो जाए लोग इमरान खान को पैसे ना दें तो आपने इंटरनेट बंद किया डाउन किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको बंद कर दिया तो आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को लोग पैसे नहीं देंगे यहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो हाफ ऑफ मिलियन पाउंड और डॉलर जो है वो उनको पर्सनली जाके दे सकते हैं यानी कि वो कहीं से भी उनके अकाउंट में भेज सकते हैं अब जब आप इमरान खान के खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की बात करते हैं जिस तरह से आपने उनको जेल में डाला उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई आपने उनको वजारत उज्म से निकाला उन वो और मशहूर हो गए आपने उनके ऊपर हमला किया आवाम की उनके साथ मजीद हमदर्दियां हो गई आपने ऑनलाइन जलसा नहीं दिखाने दिया लोगों ने उससे भी ज्यादा देखा अब आप टेलीथोन को रोकना चाहते हैं लोग सख्ती से जिद करके आपके बकवास नामों को चैलेंज करते हुए अगर किसी ने एक पाउंड देना था दो डॉलर देने थे तो वो दो एक के बजाय दो और दो के बजाय चार देंगे तो अब आप जो मर्जी हरकतें कर लें इमरान खान की टेलीथॉन हो फंड रेजिंग इवेंट हो जलसा हो किसी चीज को नहीं रोक सकते उनका कॉलम तक नहीं रोक सकती और कालम के ऊपर अगर हम बात करें तो एक कालम जो है वो दस अरब रुपए के ऊपर भारी पड़ा आप उसकी वजह देख लीजिए कि इमरान खान साहब ने कॉलम लिखा द इकोनमिस्ट ने तीन बार उसको ट्वीट भी किया और उसको शेयर किया अब ये जो आखिरी मरतबा गुजशत रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सात बजे शेयर किया गया बर्तानिया में यह इदारा है द इकोनमिस्ट तो उसको वन मिलियन ने पहले बारह घंटों में देख लिया था आप दूसरी तरफ अरबों रुपए की साफियों को पैसे दे गए मीडिया को पैसे देकर पैनाफ्लैक्स बना के जलसे करके बिरयानी और कोरमा बना के लोगों को मुतासर करना चाहते हैं अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अरबों रुपए लगाते हैं और इस तरफ इमरान खान फ्री में जो है उसकी इंतहाी मुहम भी हो रही है उनकी सोशल मीडिया कंपेन भी चल रही है एक टका नहीं लगा रहे और लोग अपने पास से सारी चीज़ें कर रहे हैं और एक कालम ने वन पॉइंट एट मिलियन रेटिंग जस्ट एक प्लेटफॉर्म के पर हासिल कर ली और फिर ये जो कालम लिखा गया था पहले लोग लिखते थे कि हम कोई गुलाम हैं गाड़ी के पीछे अब इन्होंने आ, उनको लिख दिया इमरान खान कालम नगार या द इकोनमिस्ट यानी कि इमरान खान के बारे में अब गाड़ियों के पीछे लोग पोस्टर लगा रहे हैं द इकोनमिस्ट और फिर भी चीज़ों की तशहर हो रही है तो अरबों रुपये लगा के अगर आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सके जो इमरान खान ने एक पैनी एक पैसा लगाए बग़ैर चीज़ें हासिल कर करा है तो इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्हें सिर्फ़ एक बात कहनी है एक अमल करना है और लोगों ने उसको अडोप्ट कर लेना है और चीज़ें उनकी फेवर में चली जाएंगी तो आप करें इंटरनेट बंद आप टेलीफोन में फ़ंड रेजिंग नहीं होने देखो भाई दुनिया की कौन सी कौम हो आप एक मिनट के लिए फ़ेसबुक यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम पाकिस्तान में बंद करेंगे तो आपको पता है आपकी मैशियत के ऊपर कितने

इमरान खान को कमजोर करना चाहते हैं मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा कि इमरान खान ने इंटरनेट बंद होने के बावजूद टेलीथॉन जब हुई तो उसमें कितने मिलियन ऑफ पाउंड और डॉलर लोगों ने दे दिए और फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो तारीख इंसाफ के लिए खुशखबरियां भी हैं जी खुशखबरियाँ इस नोयत की हैं शेर अफजल मरवत हूँ जरताज गुल हूँ और भी बेशुमार नाम है इवन जमशेद दस्ती समेत शायद उनकी आलिया के भी कागज़ात नामजदगी जो हैं वो कबूल हो गए पहले मुस्तरद हो रहे थे जहाँ पर इस तरह की बुरी खबरें है, है हैं वहीं पर खुशखबरी ये है कि कागजात नामजदगी जो है वो कबूल होने शुरू हो चुके हैं और बल्ले का निशान जो था वो तो अलतवा का शिकार है लेकिन देखते हैं कि बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा तहम ये बात ज़रूर है कि जो अवाम है उन्हें कोई भी निशान दे देंगे तो उसके ऊपर ठप लगाएंगे सारी चीजें होंगी तो आप देखते हैं कि ये जो कागजात नामजदगी जो हैं ये कबूल हो गए हैं इलेक्शन जब होगा कितनी दादली होगी क्या चीजें होंगी लेकिन अब तक तो इलेक्शन भी होने जो हैं वो नामुमकिन दिखाई देते हैं ताहम कोशिश है पार्टियों की कि इलेक्शन हो जाए अब नहीं मालूम कि वो दिल से ये बात कह रहे हैं कि या कोई बयानिया बनाने की कोशिश है लेकिन जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने थे वो अब इंटरनेट बंद करवाने की कोशिश करते हैं तो इलेक्शन से भी कबल बेशमार दिनों और इलेक्शन के दिन भी ये तमाम सहूलतें खत्म हो सक लोगों को इलेक्शन डे के ऊपर वोट डालने से रोका जा सकता है वोट डाल दिए तो दी हो सकती है, सिस्टम को जाम किया जा सकता है तो इलेक्शन होना, होना भी गोरख धंधा तो यकीन जैसे पहले नवे रोज की खिलाफवर्जी हुई इनिगल हुकूमतें काम कर रही है तो मजीद यह बगाड़ पैदा होगा और सियासतदानों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा पीपल्स पार्टी बोल रही है अच्छा बोल रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक तरह से मौकुफ की तायद कर रही है लेकिन वक्त आनपोचा है कि को जो है वो आपस में मिल बैठना चाहिए ता हयात आज अदालत में क्या हुआ एक तो चीफ साहब का मूड अच्छा था शोएब शाहीन ने बड़े अच्छे दलाल दिए इतवार होने के बावजूद संडे को अदालत खुली आ, अब अदालत के अंदर ताहायात नायली केस में जो दलाल लतीफ खोसार बाकी लोग थे वो भी अच्छे हास्य ऐश में भी आए आ, उन्होंने अंदर भी बातें की बड़े सब्र से काम लिया बाहर आके अपने जज्बात का इजहार भी किया शोएब शाह ने जो दलाल दिए हैं सिक्स बासठ और तो तो तिरसठ की शिक्कें जो हैं एफ और हैच के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसमें पता नहीं क्यों ऐसे लिखा है कि जिसका दिल करता है वो बंदे को ताहायात नायल कर देता है लेकिन बास शिक्के लेकिन देखना यह होगा होंगे याद रखिएगा जब फैसला आ जाए तो मैं इसके ऊपर तबसरा करूंगा इसका फायदा इमरान खान साहब को भी होगा बाकी सियासतदानों को भी होगा एक को रिलीफ देंगे तो बाकी सारे भी उस कानून की जद में आएंगे ताहम संडे होने के बावजूद बारोज इतवार छुट्टी के रोज भी अदालतों का खुलना और उसके अंदर नायली वाले केस को सुनना और अच्छे मूड में सुनना देखते हैं कि ये बातें आगे कहां तक और कैसे बढ़ती हैं। अपना ख्याल रखिएगा ये आज का गोरख धंधा था इनशाला फिर मिलेंगे आपसे आप देख रहे हैं गोरख धंधा कुरैशी के साथ